कुछ हमने ऐड किया, ठीक है। जब उसके बाद आपकी डाउन 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 पीछे बड़ा डॉन भाई थोड़ा क्रॉस करें ना, आप यहाँ तक आ सकते हो। नमस्कार, पहले तो मैं एक्टर बाबा नितिन चौधरी, आज हम यूनिक लुक लग रहा है काफ़ी, अपने आप में बहुत बोलते एक मतलब बहुत डरावना भी लग रहा है, बहुत अद्भुत लग रहा है। कैसा रहा एक्सपीरियंस, यूनिक कैरेक्टर के बारे में बताइए कुछ। मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और ये रोल ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, और इसमें जो मेरा लुक है वो लुक बहुत चैलेंजिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी है। इस लुक में पूरे दिन 12 घंटे शूटिंग करना, 14 घंटे 16 घंटे शूटिंग करना, ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है। ऊपर से ये जो धूप है, मैं अभी धूप में जब गया था तो वो धूप ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे जला रहा है, यानी ऐसा लग रहा था कि आग मेरे मुँह पर डाल दिया जैसे, इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने कैमरा दादा को बोला, तो उन्होंने फिर एक वहाँ पे स्किमर लगाया, तो थोड़ा सा बेटर फील हुआ मुझे। बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है और मैं इसको बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्टिंग का अंदाज है वो अंदाज़ यही है कि जितना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है किसी रोल को करने में, मैं उतना ही मज़ा लेता हूँ, और इसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहा हूँ। शायद इस तरह का कैरेक्टर आप पहले नहीं किए होंगे, कितना अद्भुत लग रहा है कि मतलब जो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब होता है ना, जब भी आएगा तो लोगों के जहन में बस जाएगा ये कैरेक्टर। जी बिल्कुल, कैरेक्टर ये कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है और अतरंगी कैरेक्टर है, कुछ ज़्यादा ही अतरंगी कैरेक्टर है। और इसमें मेरे कैरेक्टर के साथ जो जो हादसे होते हैं वो अपने आप में ऐसे हैं कि लोग पेट पकड़ के गिर गिर के हंसेंगे, इस टाइप का है। और जो मेरा कैरेक्टर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत बहुत ज़्यादा अजीब है। ये कुछ कुछ पागल भी है, थोड़ा साइको भी है, और बहुत आलसी भी है, बहुत बेवकूफ़ भी है, एकदम आला दर्जे का बेवकूफ़ भी है, और किंग भी है। तो जब राजा है तो राजा का अपना टशन है, उसकी अपनी हुकूमत है, तो किस ढंग से एक बेवकूफ़ और साइको राजा कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है और कैसे अपनी प्रजा के साथ खिलवाड़ करता है, इसका एक बहुत ही कॉमिक टेक है ये, और सुपर फनी एक्सपीरियंस होने वाला है ऑडियंस के लिए। अपने आप में आप काफ़ी मजे हुए एक्टर हैं, काफ़ी मतलब होते कि पूरी यूनिट है जो साहिल जी हैं उनके साथ कैसा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आप उनके साथ मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है सूट पे? साहिल जी के साथ मेरी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही गजब की है, बहुत प्यारे इंसान हैं वो, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनको बहुत बढ़िया, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है, और वो कॉमेडी को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कॉमेडी करें
तो जो डायरेक्टर है उसकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ एक्टर की कॉमिक टाइमिंग से नहीं होता है या सिर्फ एक्टर की समझ से नहीं होता है, चाहे कितना भी हो जाए, डायरेक्टर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ द शिप। तो जो जहाज़ का कप्तान है उसको समझ, उसकी समझ जो है वो बहुत गहरी होनी चाहिए। और साहिल भाई की ये ख़ास बात है कि उनकी समझ बहुत गहरी है, बहुत अच्छे से वो समझते हैं और जो भी इनपुट मैं देता हूँ उसको बहुत अच्छे से वो लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने। सर, कोई आपके अंदाज में काफ़ी लुक आपके मतलब वायरल भी हो रहे हैं इस करेक्टर का, कोई आपके अंदाज में कोई ऐसा डायलॉग से या कोई ऐसी इसमें जो इसके इसकी एक सेवक है जो कि ट्रांसजेंडर है और वो इस पर बहुत फिदा रहती है और ये इससे हमेशा बहुत प्यार से बोलता है कि काजल, उसके बाद चिल्ला के बोलता है काजल खामोश। तो बहुत ही फनी पैटर्न क्रिएट किया हमने और खामोश अगर कोई दूसरा बोल देता है तो इसको बहुत बुरा लगता है। तो जैसे इसका एक सेवक है बबली, उसको बबली को बोलता है ये कि बबली तुम खामोश मत बोला करो, खामोश मेरी लाइन है। तो बबली बोलता है कि लेकिन सरकार जैसे बोलता है तो बोलता है खामोश मेरी लाइन है। तो वो जो एक चेंजिंग इसका जो ग्रीट की तरह जो ये रंग बदलता है, जो अपना सुर बदलता है, वो एक अलग लेवल पे है और उसका मुझे उसको करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आखिरी में सर, आप अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी जो आपके बहुत पसंद करते हैं इस करेक्टर में, तो माइंड ब्लोइंग मतलब लोग और ज़्यादा फिर हो जाएंगे और ज़्यादा वो बढ़ जाएगी, कुछ कहना चाहेंगे उनके? मेरा तो हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही टारगेट, एक ही एम रहता है, एक ही गोल रहता है कि मैं जो भी करूं उसको वो इंगेजिंग हो, उसको दर्शक जो है कभी भी बोर ना हो, जब भी मैं परफॉर्म करूं तो लोगों को एक ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, इस तरह का एंटरटेनमेंट हो सकता है। तो इस बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट मिलेगा लोगों को, लोग बहुत हंसेंगे, पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे, गिर गिर के हंसेंगे, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाला जैसा चाहे वो। सही, और क्या शूट कर रहे हैं आप? मैं एक्टर बाबा नितिन चौधरी और आज हम अस्तबल का शूट कर रहे हैं और जिसमें दया सर हैं, मैं अच्छा करेक्टर प्ले कर रहा हूँ युवराज का दया सर के साथ और बहुत ही अच्छा करेक्टर है और बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है और जो डायरेक्टर हैं साहिल महाला जी, ब्रिलियंट क्रिएटिव, उनके साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और आज जैसे कि अस्तबल का शूट हो रहा है और मेरा सीन ये है कि जो राजा हैं वर्मा सर, वो आते हैं और उससे पूछते हैं कि घोड़ा कितने का है, मैं बेचता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं और मतलब फुल टू कॉमिक करेक्टर है मेरा। कितना मज़ा आया ये वेब सीरीज में? बहुत बहुत मज़ा आया जी जी। हालांकि ये मेरा दूसरा दिन का शूट है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में और कहते ना कि एक एक्टर को क्या चाहिए, एक अच्छी टीम, एक अच्छा वर्क, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी और एज ए एक्टर मैं बहुत खुश हूँ अपने करेक्टर के साथ। साहिल जी के साथ कितना मतलब एंजॉय किए और कितना उन्होंने हार्ड वर्क करवाया? साहिल जी ने एक्चुअली काफ़ी पहले तो उन्होंने रिहर्सल लिया कंटिन्यू, 3-4 दिन का जो भी वर्कशॉप होता है, उसके बाद मुझे उन्होंने ब्रीफ किया और जब उन्होंने मुझे ब्रीफ किया तो मुझे लगा कि वाकई ये जो करेक्टर है मैं कर सकता हूँ और आप तो देख ही रहे कि और कर रहा हूँ। और साहिल जी बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में क्या कहें, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इन फ्यूचर एक अच्छी चीज़ के साथ वो मार्केट में आ रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की क्योंकि साहिल जी मेरे पुराने कहीं ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, पिछले 10 साल से मैं उनको जानता हूँ। काफ़ी टाइम से मतलब हो गए, काफ़ी शूट चल रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस करेक्टर को, काफ़ी डिफरेंट लुक दिया गया आप? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन आपने लास्ट दिन बोला मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे भी मालूम नहीं है लास्ट दिन है साहिल जी, क्या लास्ट दिन है इसके बाद हम साथ में काम नहीं करेंगे? लास्ट दिन है, मुझे भी नहीं पता था लास्ट दिन है, क्या ये मेरा लास्ट दिन है, मेरा रोल खत्म है, तो आगे जाके मेरी जरूरत नहीं है ऐसा बोल, ये मुझे बोल रहे हैं लास्ट दिन, ये मेरा रोल बड़ा है, बड़ा है। सर जान है,
यस सर बताइए। ये मेरा लास्ट दिन आपने बोला, ये शेड्यूल का लास्ट दिन, ऐसा बोल के मेरा मन दुखी हो गया। तो मैं करता ही नहीं कोई ऐसा काम, नहीं करता जिसमें लास्ट दिन कंटिन्यूटी को तो मजा आता है। सर बताइए कितना एंजॉय कर रहे हो जिस करेक्टर को आपने काफी? अब एंजॉय तो बहुत कर रहा हूँ उसको, मैं कैसे भावनात्मक रूप से आपको समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है, ये रोल थोड़ा अलग है। वर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर एक्टर हैं सानंद जी, आप उनका त्याग देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो उनका त्याग आप देखिए। माने ये प्रभु की बहुत बड़ी विडम्बना है कि मुझे इस रोल के लिए बनाया गया था, भगवान ने बनाया था, लेकिन साहिल जी ने उनको बनाया। भगवान ने मुझे ऐसा कलर दिया ही था, लेकिन मुझे इस लायक उन्होंने समझा नहीं था और उन्होंने इनको दे दिया। कैसा है पूरी यूनिट के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी चैलेंजिंग रहा अपने आप में एक करेक्टर? बहुत बहुत यूनिट के साथ बहुत मज़ा आया। बहुत बेचारे ड्रेस वाले आपको ड्रेस दे देते हैं, स्पॉट वाला आके आपको चाय पानी और भी लंच ब्रेक हुआ नहीं हो खाना पूछे खाना खाएंगे। कैमरामैन अपनी अच्छी लाइटिंग कर देता है, डायरेक्टर साहब साहिल साहब एक्चुअली सब आनंदमय है जीवन यहाँ। ऐसा लगता ही नहीं कि लास्ट डे, आपने लास्ट डे बोल के मेरा मन दुखी कर दिया। साहिल जी है डायरेक्टर, उनके साथ काम करके कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है? अभी दो ही दिन का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रहा है। अब मुझे पता नहीं उनको मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आप जब भी उनका इंटरव्यू करेंगे तो वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं वो मुझे दिखाना, उसके बाद उनके बारे में मैं बोलूँगा। अगर वो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे तो मैं उनके बारे में बहुत अच्छा बोलूँगा, अगर वो मेरे बारे में बुरा बोलेंगे तो भी मैं अच्छा बोलूँगा। क्योंकि मुझे बचपन में सिखाया गया है कोई आपका बुरा करे तो भी आप अच्छा करो, तो मैं तो उनमें से हूँ। जिस तरह से वेब सीरीज का कॉन्टेंट मतलब आज काफ़ी ग्रो कर रहा है, लोग वेब सीरीज ही कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब वेब सीरीज कितना फिल्मों का कम हो रहा है? नहीं नहीं फिल्म भरे, पठान सुना नहीं? कल मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी बोला, तबाही बच गई है। भगवान करे खूब वेब सीरीज चले, मैं तो ये कहूँगा खूब शूटिंग चले, सबको काम मिले हर इलाके में। मैं तो कहता हूँ कि एक एक सेट पर दो दो तीन तीन कैमरा लगा रहे, आपको भी भगवान समय ना दे हमारा इतना लंबा इंटरव्यू करने के लिए। आप ऐसा तुरंत हो गया करके आप निकल जाए दूसरे यूनिट पर, इतना काम बढ़ा है भगवान। थैंक यू सर। मेरा नाम ईशान राज है और आज हम अमेज़न प्राइम सीरीज़ के लिए एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं जिसका नाम है किंग्स वेडिंग, और ये बहुत हटके जॉनरा है इसका। कुछ अच्छा मुझे स्क्रीन पे लगा इसका, डायरेक्टर से जब मुलाकात हुई थी साई जी से तो बहुत प्यारी स्टोरी लगी। और मेरा कैरेक्टर इसमें काजल का है, तो थोड़ा सा फेमिनिन कैरेक्टर है जिसे मैं प्ले करता हूँ। कुछ 8-9 साल हो गए मुझे एज अ ड्रैग क्वीन के नाम से लोग जानते हैं मुझे, तो अच्छा कैरेक्टर है, जनरा अच्छा है और अच्छे लोग हैं, यूनिट अच्छी है। बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस, मतलब यूनिट ऐसी है लाइक अ फैमिली, बहुत कम मिलती है हमें इंडस्ट्री में। सीरियसली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कई बार हम सेट पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कैसे डायरेक्टर होंगे कैसे यूनिट होगी, बट यहाँ पे सब फैमिली लग रहा है, ऐसा लग रहा है बड़ा भाई के साथ काम कर रहा हूँ। चैलेंजिंग तो देखो ये कैरेक्टर होते ही, जैसे हम बड़े बड़े एक्टर्स को देखते आए हैं हिस्ट्री में, आशुतोष राणा जी हो गए या कोई भी जितने अमिताभ बच्चन जी हो गए, तो एक अब मेरे लिए ऐसा हो गया है कैरेक्टर प्ले करना, इट्स लाइक अ बाय हाथ का खेल, तो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग लगता नहीं है मुझे। तो इट्स नाइस कि ऐसे कैरेक्टर्स इंडस्ट्री मुझे ऑफर करती है और मैं शिद्दत के साथ दिल से निभाता हूँ ये कैरेक्टर्स। यही है कि ऑडियंस का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, सिंपल सी बात है। हर एक आर्टिस्ट को ये होता है कि उसकी मेहनत रंग लाए, और हम जब अपना 100% देते हैं हम खुद सेटिस्फाई होते हैं, तभी हम डायरेक्टर को बोलते हैं सर ओके सीन ओके। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सर की वेट नहीं करता, जब तक मुझे अपना सीन मैं 100% नहीं कर पाता हूँ तब तक मैं सर को बोलता नहीं हूँ कि सर ये सीन हुआ है। तो अच्छा है, ऑडियंस पसंद करती रहे, हम अपना 100% देते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए और किस तरह के करेक्टर है आप बताइए? मेरा स्क्रीन नेम है विशाल जोशी, वैसे नाम मेरा विकास जो है, और मैं इसमें बटलर बबली का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो हमारे किंग स्वीटी है उनका राइट हैंड है और इनके सारे काम करता है इस कैमरा। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस कैरेक्टर को, काफ़ी डिफरेंट है इसमें, तो एक्शन पूरी मस्ती भरपूर हो रही है इस सेट पे। जब इस सेट पे आते हैं साहिल साहब के साथ आप देख ही रहे हैं,
जो इतने खुद एनर्जेटिक है उनको देख के एनर्जी मिलती है, तो जैसे सेट में आए तो अपने आप मूड बन जाता है और खूब मस्ती का माहौल है वहाँ पर, खूब मज़ा आ रहा है क्योंकि अतरंगी सा करेक्टर है। अगर आप मेरी ड्रेस भी देखेंगे अभी हम मेकअप ना, तो बड़ा अतरंगी सा ड्रेस है, रेड डार्क रेड छटा के। तो बाकी करेक्टर्स भी आपने देखे हैं अभी सानम वर्मा जी हमारे देखे हैं, कैसे लग रहे हैं? तो आइडिया थोड़ा बहुत हो गया होगा अभी उसमें। साहिल जी है, कैसा उनके साथ कॉम्बिनेशन रहा है पूरे शूट के दौरान? कोई इंसिडेंस ऐसा हो जो बहुत उन्होंने मतलब बोलते चैलेंजिंग रहा हो वैसे? चैलेंजिंग अभी मैंने जो उसके साथ शूट किया अभी तक, इतना इंस्पायर करते हैं वो कैरेक्टर, इतना अच्छे से समझा देते हैं कि अंदर से ही वो कैरेक्टर निकल के आ रहा था, ऐसा लग रहा था वो कैरेक्टर जी रहे हो तुम, वो खुद ही हो। तो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और टिप्स ऐसे ऐसे देते हैं और बीच में इतने अच्छे अच्छे टिप्स डाल देते हैं कि वो सीन मतलब ही चार गुना हो जाता है, अच्छा लगता है, चार चांद लग जाते हैं। वो जिस लिए 8-10 का नहीं छोड़ा, कैसा लग रहा आज शूट करके? लास्ट बहुत अच्छा लग रहा है, दुख हो रहा है उसके बाद हम लोग मिलेंगे नहीं। साहिल जी ने इस रोल के लिए मुझे चुना, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैंने कभी क्योंकि मैंने ऐसा रोल कभी किया नहीं। पप्पू साहिल जी, 4-5 बॉटल लेके आओ ना पानी का, मॉनिटर पे चैलेंजिंग रोल मुझे दिया। अभी नहीं दिए, अब चले गए, रख दिया कोई बात नहीं, सरकार राजा है, राजा है, ऐसा एंजॉय कर रहे हैं इस करेक्टर को काफी, मतलब बंदे ने अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। सरकार एक बात पूछूं? हाँ एंजॉय तो कर रहा हूँ, बड़ा आपके ऊपर मचल रही थी वैसे, आपकी उम्र कितनी है सरकार? अभी जो मेरे पीछे कलाकार है उनको मालूम ही नहीं हमारा इंटरव्यू चल रहा है, उनकी आवाज मेरे से ज्यादा आ रही है। सर एक मिनट, क्या कहना दादा, शुक्रिया बोलिए सर प्लीज। ये थैंक यू वाला तूतिया, ये थैंक यू वाला तूतिया है, थैंक यू, ये मेरा कैरेक्टर है, थैंक यू वाला शुक्रिया, लेकिन इसको हम थैंक यू वाला तूतिया बोलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, और आइंदा कभी ऐसा मत बोलिए कि आपका लास्ट दिन है, बहुत एक्टर को दुख होता है। कुछ बताइए आज किस तरह आपका? नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण अरोड़ा, मेरा इस किंग स्वीटी में दादाजी का रोल है, जो 200 साल पुराने हैं दादाजी और 50 साल से कोमा में है, तो उनका पोता जो है पोतला है, घोड़ों के सौदा करने की कोशिश कर रहा है और मैं उसको झल्लाता हूँ कि ये सौदा कर क्यों नहीं पा रहा। तो बस मैं, हमारे एक मित्र हैं संदीप सिंह जी जो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने साहिल सर से मिलाया और ये रोल मुझे मिला। साहिल जी बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत डेडिकेटेड डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करते हैं, बड़ा मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और इससे पहले मैंने कुछ वेब सीरीज और सीरियल किए हैं, वैसे फिल्म लाइफ से मैं बचपन से जुड़ा रहा है किसी अलग तरह से, क्योंकि मेरे फादर श्री रामलाल जी एलियस राजनाथ बहुत पहले से लाहौर से फिल्म से जुड़े रहे, 1929 में भी वो हीरो थे और उनकी पूरी लाइफ फिल्म लाइन में ही गुजरी है, लेकिन उस वक्त मैंने कभी अपने लिए इंटरेस्ट नहीं लिया और अब ये आ गया हूँ इस क्षेत्र में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहा हूँ, तो आगे जैसे भी जो होगा देखते हैं।